प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। इंडियन ब्रदरहुड ऑफ मैजिशियन एवं जादू कला ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव 17-18-19 सितंबर 2022 का आयोजन दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय विदेश एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी व BJP नेता भारत भूषण मदान द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए करीब 300 जादूगरों ने अपनी जादुई कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर 101 जादूगरों ने एक साथ जादू से भारतीय झंडा निकालकर OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। कार्यक्रम में आए छोटे छोटे बच्चों ने जादू करके सबका दिल जीत लिया। इस उत्सव का आयोजन महान जादूगर श्री अशोक खरबंदा एवं उनके सुपुत्र सुमित खरबंदा और राहुल खरबंदा द्वारा किया गया। साथ ही जिन जादूगरों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको इनाम व ट्रॉफी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में आए इंडियाज गॉट टैलेंट और हुनरबाज फेम जादूगर BS रेड्डी व मनोज जैन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही मुरादाबाद से जादूगर जुगलू, जोधपुर से जादूगर विनोद कौशिक, मालदा से जादूगर राज सिंह, पंजाब से जादूगर भूपिंदर सिंह, तेलंगाना से डॉक्टर BLN राजू को जादू शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। Thank you.
इसमें सबसे जो बड़ी बात इस इंडियन ब्रदरहुड मैजिशियन में रही, इसमें 8 साल की बच्ची भी सामने हमारे खड़ी हुई है और 75 ईयर्स के जवान भी खड़े हुए हैं। मैं तो मंच से भी कहा 75 साल में आदमी सामान उठा के भी नीचे नहीं रख सकता, इस उम्र में भी वो अपना हुनर दिखा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इधर 8 साल का बच्चा भी दिखा रहा है, 75 साल का जवान भी दिखा रहा है, तो इसलिए बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है इनको, इसलिए मैं बुरी बुरी इनकी सबकी प्रशंसा भी कर रहा हूँ। और इसमें बहुत देश विदेश के जादूगर आए हुए हैं और विदेश से भी आए हुए हैं, दुबई से, मॉरिशस से, सब जगह से आए हुए हैं और सबका इंडिया में स्वागत है, सबका इस दिल्ली में, जो विभिन्न प्रांतों से आए हैं उनका भी दिल्ली में स्वागत है। और भविष्य में भी हम जो प्रधानमंत्री जी से जो ये कार्यक्रम किया उनके जन्मदिन पर, इन्होंने मेरे को सबसे बढ़िया जो बात लगी, इन्होंने अपना हुनर भी दिखाया और देश वालों को मैसेज भी दिया, कोरोना का मैसेज दिया, सफाई अभियान का मैसेज दिया, जो जो भी मोदी जी इस देश के लिए कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। और इनको इसलिए मैं ज़्यादा साधुवाद देता हूँ, इन्होंने देश सेवा भी की है, समाज की भी सेवा की है, लोगों को किस तरह से पैंडेमिक से बचना है वो भी इन्होंने बताया, इसलिए मैं पुनः इन सबको बधाई देता हुआ और भविष्य में इनके सुखद भविष्य की कामना करता हुआ इनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहे प्राइम टाइम न्यूज।